हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुरुवात पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं पोर्टफोलियो सेक्शन डिजाइन करना। तो फ्रेंड, पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कुछ इस तरीके से नेविगेशन सेक्शन डिजाइन करना, उसके बाद इंट्रोडक्शन सेक्शन डिजाइन करना, उसके बाद सर्विस सेक्शन डिजाइन करना, उसके बाद हम लोगों ने डिजाइन किया था कुछ इस तरीके से सर्विस सेक्शन। तो फ्रेंड, अभी हम लोग इस एपिसोड के अंदर देखने वाले हैं कुछ इस तरीके से पोर्टफोलियो सेक्शन डिजाइन करना, जिसके अंदर आप देख सकते हो आपने जो भी वेबसाइट बनाया होगा उसका यहाँ पे टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन और आपने ये वेबसाइट कौन कौन सी टेक्नोलॉजी के अंदर बनाया है उसकी आप यहाँ पे कर सकते हो लिस्टिंग। उसके बाद क्लिक करने के बाद वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड, वो वेबसाइट का आपको यहाँ पे रखना है स्क्रीनशॉट और आपने जितनी भी वेबसाइट बना के रखी होगी उसको आपको रखना है कुछ इस तरीके से स्लाइडर के अंदर। तो फ्रेंड, इस एपिसोड के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कुछ इस तरीके से पूरा पोर्टफोलियो सेक्शन डिजाइन करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना है, क्योंकि मैं वहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिलेटेड सम एक्स्ट्रा कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ जो आपको जरूर हेल्प करेगा। उसी तरीके से फिर अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे है बूटस्ट्रैप के, तो आपको देखना है एपिसोड 66 से, जहाँ से आप बूटस्ट्रैप का सेटअप, इंस्टॉलेशन, उसके सारे कंपोनेंट, लेआउट, क्लासेस, वो सभी के सभी आप देख सकते हो। उसके बाद ही आपको स्टार्ट करना है ये वाला एपिसोड। और फिर अगर आपको कोडिंग का कुछ भी आइडिया नहीं, आपको स्टार्टिंग से कोडिंग सीखना है, वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना है, तो मैंने यहाँ पे फुल प्लेलिस्ट बना के रखी है लर्न कोडिंग इन हिंदी। तो फ्रेंड, एपिसोड 1 से आप सीख सकते हो कोडिंग करना, खुद की वेबसाइट डिजाइन करना। आपको सिंपल क्या करना है, हर एक एपिसोड देखना है और हर एक एपिसोड देखने के बाद आपको प्रैक्टिस जरूर जरूर करनी है। तो फ्रेंड, अभी आप देख सकते हो सबसे पहले तो है टाइटल। तो हम लोग इस केस में जो ऊपर का जो सेक्शन है स्किल का, वो हम लोग कॉपी कर सकते हैं, उसके अंदर हम लोग चेंज कर देंगे सिंपल पोर्टफोलियो। उसके बाद फ्रेंड, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो एक पार्ट में है उसका डिस्क्रिप्शन, दूसरे पार्ट में है इमेज। तो फ्रेंड, हम लोगों ने ऊपर कुछ इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड किया था, तो वही सेम कॉन्सेप्ट अभी हम लोग इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसके अंदर लेकिन आपको एक चीज याद रखना है, आप जो भी इमेज यहाँ पे रखोगे वो सब की सब आपको रखना है सेम साइज की इमेज ही आपको रखना है, तभी आपका जो स्लाइडर है वो कुछ इस तरीके से अच्छे से मूव करेगा। अदरवाइज तो फिर इमेज की साइज छोटी बड़ी होगी तो वो फ्लक्चुएशन मारेगा और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको आना चाहिए इमेज एडिटिंग। तो फ्रेंड, आप कुछ इस तरीके से इमेज एडिट कर सको तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको सीखना है इमेज एडिटिंग, तो फ्रेंड उसके लिए आपको मेरे जो पिक्सलर इमेज फोटोशॉप करके जो मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है, जिसके अंदर मैंने सिखाया है इमेज एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग के जो कॉन्सेप्ट है, और आप प्रैक्टिकली इसके अंदर सीख सकते हो आप किस तरीके से इमेज रिसर्च कर सकते हो, उसके बाद पीएनजी इमेज, जेपीजी इमेज आप बना सकते हो। तो फ्रेंड, वेबसाइट के लिए जो भी हम लोग को इमेज का काम पड़ता है तो वो मैंने यहाँ पे इस एपिसोड के अंदर कवर किया, इसलिए आपको ये सारे एपिसोड जरूर जरूर देखने हैं। तो फ्रेंड, आ जाओ फिर से आपके वीएस कोड के अंदर। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे नेविगेशन सेक्शन, उसके बाद इंट्रोडक्शन सेक्शन, सर्विस सेक्शन, और उसके बाद हम लोगों ने डिजाइन किया था स्किल सेक्शन, और अभी हम लोग डिजाइन करने वाले हैं पोर्टफोलियो सेक्शन। तो फ्रेंड, ये जो ऊपर का जो सेक्शन है उसको हम लोग सिंपली अभी कर लेते हैं कॉपी, क्योंकि हम लोग का जो ऊपर का सेक्शन है वो जो पार्ट है ऊपर का पार्ट वो सेम ही है, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। तो सेक्शन में कर देता हूँ क्लोज, और इसको हम लोग राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, सेव करते हैं। उसके बाद इसको हम लोग यहाँ पे रख देते हैं पोर्टफोलियो, और हम लोग को फ्रेंड यहाँ पे जो कलर है बैकग्राउंड कलर वो नहीं चाहिए, सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो पोर्टफोलियो दिख रहा है, लेकिन उसको हम लोग को देना है ब्लैक कलर। तो ये जो टेक्स्ट व्हाइट है उसको हम लोग फिलहाल निकाल देते हैं, सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो वो कुछ इस तरीके से ब्लैक कलर में आ गया है। अभी हम लोग को फ्रेंड, अभी हम लोग को चाहिए हमारा स्लाइडर। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग और एक जो अलग से डिव है उसको हम लोग बना लेते हैं रो, और रो के अंदर अभी हम लोग रखेंगे सिंपल हमारे स्लाइडर को, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्लाइडर के लिए आपको क्या करना है, तो आपको करना है फिर से बूटस्ट्रैप की वेबसाइट ओपन, और उसके बाद जाओ कंपोनेंट सेक्शन के अंदर। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कर्सर करके जो सेक्शन है वो आपको ओपन करना है। तो फ्रेंड, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आपको इसमें से जो भी स्लाइडर अच्छा लगता हो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो और यूज कर सकते हो। उसमें से मैं अभी फिलहाल यूज करता हूँ
ये जो डार्क वेरिएंट वाला जो है वो मैं अभी आप यूज करता हूँ, तो इसको मैं सिंपली अभी कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद सिंपली यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, और मैं कर लेता हूँ इसको फॉर्मेट, राइट क्लिक करो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो एरो कुछ इस तरीके से आ गया है, यहाँ पे तीन इमेजेस है, तो वो भी यहाँ पे तीन डैश दिखा रहा है, और इमेज तो फिलहाल हमारे पास है नहीं इसलिए यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, लेकिन अभी हम लोग को यहाँ पे ऐड करना है कुछ इस तरीके से सेक्शन। तो यहाँ पे दो पार्ट है, तो सिंपली हम लोग पहले जो एक पार्ट है पूरा का पूरा हम लोग एक जो वेबसाइट है पूरा इतना पार्ट अभी हम लोग बनाते हैं, उसके बाद जो दूसरा है तीसरा है उसके अंदर फिर हम लोग को टाइटल और इमेज ही हम लोग को खाली चेंज करना है। तो फिर से आ जाओ आपके कोडिंग के अंदर, और फिर अभी हम लोग जो ये जो एक्स्ट्रा सेक्शन है ये जो एल आई है उसको भी हम लोग निकाल देते हैं, क्योंकि अभी हम लोग फिलहाल तो डेवलप कर रहे हैं, तो इसलिए अगर यहाँ पे मल्टीपल एल आई हो गए तो बार बार वो स्लाइड करेगा और हम लोग को कोडिंग करने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैंने उसको निकाल दिया। उसके बाद ये जो अंदर का जो सेक्शन है यहाँ पे कोरोजल के तीन अलग अलग सेक्शन है, तो उसको भी मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि अभी हम लोग को पहले डिजाइन कर लेना है एक पूरा सेक्शन, उसके बाद हम लोग आगे का जो प्रोसेस है वो करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड ये हो गया पूरा फ्रेश, सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे एक ही डैश दिखा रहा है, मतलब एक ही स्लाइड है, और वो स्लाइड भी नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम लोगों ने कुछ रखा नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिलहाल कार्ड, तो रन करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कार्ड आ गया। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके अंदर डिजाइन करना। तो फ्रेंड सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक पार्ट में है हमारा वेबसाइट का जो वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन और दूसरे पार्ट में है उसका इमेज। तो सबसे पहले हम लोग कंटेनर फ्लूड वाला जो क्लास है वो हम लोग ले लेते हैं, उसके अंदर हम लोग रखते हैं डिव और उसके अंदर फिर से क्लास, तो क्या आएगा फ्रेंड रो, क्योंकि हम लोग उसको दो दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, तो उसके लिए रो के अंदर ही आपको रखना है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, सिंपल अभी जो ऊपर का जो सेक्शन है उसमें से हम लोग जो इमेज वाला पार्ट है वो फिलहाल हम लोग कॉपी कर सकते हैं, और अभी मैं फिलहाल तो इसको डिव क्लास उसके अंदर हम लोग उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, सिक्स पार्ट ये हो गया आधा, और उसके बाद और एक डिव ले लेता हूँ मैं, उसके अंदर मैं रख देता हूँ फिर से कॉल LG6, और इसके अंदर जो पहला वाला पार्ट है इसके अंदर मैं रख देता हूँ फ्रीलांसर वेबसाइट, उसके बाद इसके अंदर तो आ जाएगी हमारी इमेज। तो इमेज के लिए ऊपर वाले सेक्शन के अंदर भी हम लोगों ने इमेज रखा था, तो उसको मैं यहाँ पे कॉपी करके फिलहाल तो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ फिलहाल पेस्ट, सेव करते हैं, अभी इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये रही हमारी इमेज, और हम लोगों ने स्मॉल में लिखा है फ्रीलांसर वेबसाइट, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अभी दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को चाहिए एक कार्ड जिसके अंदर होगा वेबसाइट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और सारी टेक्नोलॉजीज, तो उसके लिए हम लोग को ये जो पार्ट है ये पार्ट में चाहिए हम लोग को कार्ड। तो वो कार्ड के लिए ऊपर जो हम लोगों ने ऑलरेडी मल्टीपल कार्ड बना के रखे थे, तो वो कार्ड वाले डिजाइन में फिलहाल कॉपी कर लेता हूँ और उसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, अभी हम लोग इसको सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से अभी जो हमारा कार्ड वाला जो सेक्शन है वो दिख रहा है। अभी हम लोग को क्या करना है, तो इसके अंदर हम लोग को जो टाइटल है वो चेंज करना है, डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, उसके बाद हम लोग को ये सारी टेक्नोलॉजीज रखना है और बटन भी हम लोग को रखना है। तो फ्रेंड इसके लिए अभी हम लोग यूज करते हैं डेवलपर टूल, तो F12 प्रेस करो, अदरवाइज राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट भी आप कर सकते हो, और अभी आपको जाना है लैपटॉप के अंदर, तो यहाँ से आपको चूज कर लेना है लैपटॉप, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो काम। तो फिलहाल मैं इसको 75 पे जूम रख देता हूँ। तो फ्रेंड अभी हम लोग क्या करते हैं, यूजिंग डेवलपर टूल हम लोग अभी इसको यही पे अभी हम लोग डिजाइन करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे हम लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर किया था सिंपली हम लोग यहाँ से उसको कॉपी करके हम लोग उसको सिंपली हमारे कोड के अंदर रख सकते हैं। तो फ्रेंड उससे क्या हो जाएगा, तो सिंपल है, उससे हमारा जो टाइम है वो हमारा टाइम बचेगा। तो फ्रेंड अभी फिलहाल हमारी डिजाइन कुछ इस तरीके से अभी दिख रही है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, तो ये जो कार्ड है इसको भी हम लोग को सेंटर में ले लेते हैं। तो सेंटर में लेने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो डी फ्लैग्स अलाइन आइटम सेंटर वाला जो क्लास है वो मैं अप्लाई कर देता हूँ ये जो कार्ड वाला जो पार्ट है
उसके अंदर, तो वो बीच में आ जाएगा, तो बीच में आ गया फ्रेंड। उसके बाद हम लोग जाते हैं कार्ड के अंदर, और ये जो कार्ड बॉडी है उसके अंदर जो टाइटल है उसके अंदर हम लोगों ने लिखा था फोटोशॉप पिक्सलर, जो फिलहाल हम लोग को नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ फिलहाल फ्रीलांसर वेबसाइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सिंपल आपने जो जो वेबसाइट डिजाइन किया होगा उसका आप यहाँ पे जो टाइटल है वो डाल सकते हो फिलहाल। उसके बाद ये जो आइकॉन है, ये आइकॉन का तो काम नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे सिंपल राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ, तो वो डिलीट हो गया। उसके बाद फ्रेंड हम लोग को डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन आपको वैसा का वैसा रखना है, और आपको यहाँ पे आपकी वेबसाइट का जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको यहाँ पे रखना है। उसके बाद फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ इस तरीके से लाइन 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 और डिवाइड हो गया कुछ इस तरीके से, और काफी अच्छा दिख रहा है। तो आपको कुछ इस तरीके से डिजाइन करना होगा, तो फिर से आप जाओ कार के अंदर, तो कार के अंदर ऑलरेडी फ्रेंड यहाँ पे फैसिलिटी है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है लिस्ट ग्रुप पे, और फिर अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लोग को जो लिस्ट सेक्शन है वो हम लोग को मिल जाता है। तो सिंपल आपको यहाँ से कॉपी करना है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। एक्चुअली आपको पेस्ट करना है कहाँ पे, तो आपके कोड के अंदर, लेकिन अभी हम लोग जो डेवलपर टूल के अंदर काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे भी डायरेक्टली पेस्ट करके चेक कर सकते हो। तो कार्ड बॉडी है उस पर मैं करता हूँ राइट क्लिक, उसके बाद एडिट एचटीएमएल, और उसको कहाँ पे रखना है, तो आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसके एग्जैक्ट नीचे आपको रखना है। मैं कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट, उसके बाद मैं जैसे बाहर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ यहाँ पे अलग अलग डिवाइड होके आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, तो इसके अंदर ये जो एल आई है इसको करता हूँ मैं कॉपी, उसके बाद ईमेल के ऊपर क्लिक करो, उसके बाद एडिट एचटीएमएल, और मैं कर लेता हूँ यहाँ पे फिर से टू टाइम्स और एल आई पेस्ट कर देता हूँ। और फ्रेंड अगर आप कोई बड़ी कंपनी में काम करोगे या फिर आप कोई भी कंपनी के अंदर जाओ, उसके अंदर जो वेब डिजाइनर होगा उसको जब भी आप डिजाइन करते वक्त देखोगे तो वो 101% आपको दिखेगा कि वेब डेवलपर टूल के अंदर ही वो काम करते वक्त आपको दिख रहा है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर हम लोग सिंपली कंटेंट रखते हैं, डायरेक्टली हम लोग को यहाँ पे आउटपुट देखने के लिए मिल जाता है। तो इसके अंदर जो फाइनल जितने भी हम लोग को चेंजेस करना होगा, छोटे छोटे चेंजेस करना होगा, इसके अंदर ही हम लोग हमेशा करते हैं। फिर यहाँ से हम लोग को सिंपल क्या करना होता है, यहाँ से कोड कॉपी करो और हम लोग कोड के अंदर डायरेक्टली रख देते हैं। तो हम लोग बार बार मतलब वहाँ पे वीएस कोड ओपन करो, फिर वहाँ पे कोड करो, फिर यहाँ पे चेक करो, वहाँ पे कोड करो, फिर यहाँ पे चेक करो, वो एकदम गलत टेक्निक है जिसके अंदर टाइम वेस्ट होता है। तो जो भी प्रोफेशनली वेब डेवलपर होते हैं वो हमेशा डेवलपर टूल का यूज करते ही करते। तो फिर जितनी भी छोटे छोटे चीजें हैं वो सब के सब आप यहाँ पे डेवलपर टूल के अंदर पूरा का पूरा कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए आपको डेवलपर टूल तो 101% यूज करना ही करना है। उसके बाद फ्रेंड हम लोग को आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो एल आई है उसके अंदर मैंने रखा हुआ है आइकॉन, तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से एरो आइकॉन है, तो मैं इसको यहाँ से ही इंस्पेक्ट करके मैं यहाँ से उसको कर लेता हूँ कॉपी। उसके बाद हम लोग जाते हैं हमारे जो वर्किंग वेबसाइट है उसके अंदर, और मैं ये जो एल आई है उसको राइट क्लिक कर से फिर से एडिट एचटीएमएल करता हूँ, इसके आगे मैं रख देता हूँ मेरा आइकॉन, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिलहाल एचटीएमएल 5। उसके बाद फिर ये जो पूरा जो एल आई है इसको मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ और फिर से मैं बाहर पेस्ट करता हूँ, तो वो एचटीएमएल 5 कुछ इस तरीके से दिख रहा है। उसके बाद ये जो बाकी के जो है उसको मैं सिंपली यहाँ पे कर देता हूँ डिलीट, उसके बाद फिर से ईमेल के अंदर जाता हूँ राइट क्लिक करके करता हूँ एडिट एचटीएमएल, उसके बाद एल आई के अंदर मैं यहाँ पे मल्टीपल टाइम पेस्ट कर देता हूँ, और हम लोग को सिंपली अभी नेक्स्ट टाइम क्या करना होगा, तो उसका खाली हम लोग को चेंज करना होगा टाइटल। हो गया फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी लिस्ट हो गई। अभी आपको सिंपली यहाँ पे कलर चेंज करना है, तो एल आई के अंदर जो आइकॉन है उसके अंदर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट डेंजर करके कलर लिया हुआ है, इसलिए वो रेड दिख रहा है। तो आपको इस तरीके से जो टेक्स्ट इन्फो है, फिर प्राइमरी है, फिर वार्निंग है, वो आपको सिंपली कलर यूज करना है। अभी जो नेक्स्ट चीज बचा उसके अंदर हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग तो पहले जो ये जो टाइटल है इसको हम लोग को चेंज कर लेते हैं। तो टेक्स्ट के लिए फ्रेंड हम लोगों ने थीम कलर जो बनाया था वो अभी यहाँ पे आपको यूज करना है, तो टेक्स्ट साइन और उसके बाद में लिख देता हूँ 700, तो ये हो गया हमारा कलर। उसके बाद फ्रेंड हम लोग को क्या चाहिए, तो नीचे हम लोग को चाहिए बटन, तो फ्रेंड ये जो हमारा जो कार्ड है उसके यहाँ पे एग्जैक्ट एंड में हम को चाहिए बटन, तो बटन भी हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। तो फिलहाल
हम लोग को जो हम लोगों ने इतना जो कार्ड बनाया इसको हम लोग अभी क्विकली कॉपी कर लेते हैं। तो आपको कॉपी करना है कहाँ से, तो यहाँ से आपको कॉपी करना है रो से। हम लोग कॉपी करते हैं तो रो पे करना है आपको राइटली, उसके बाद कॉपी पे जाओ, कॉपी एलिमेंट, उसके बाद जाओ आपके कोड के अंदर, और कोड के अंदर जो रो था उसको आपको कर देना है पूरा डिलीट। उसके बाद सिंपल पेस्ट करो और फिर आपको राइट क्लिक करके कर लेना है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, या फिर आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो मैं निकाल देता हूँ, फिर यहाँ से भी निकाल देता हूँ। उसके बाद फिर से मैं कर लेता हूँ फॉर्मेट कोड, अभी मैं करता हूँ सेव और रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरह से कार्ड दिख रहा है। तो अभी फिलहाल तो डेवलपर टूल का काम नहीं, उसको मैं कर देता हूँ क्लोज। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से अभी हमारा कार्ड दिख रहा है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्या करना है हम लोग को, तो ये जो बैकग्राउंड है इसके अंदर हम लोग को देना है व्हाइट कलर, तो वो कुछ अच्छे से दिखे। तो हम लोग को ये जो हमारा पूरा कंटेनर है उसके अंदर हम लोग दे देते हैं बिजी व्हाइट, सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से अभी हमारा जो पोर्टफोलियो जो है वो दिख रहा है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, तो पहले तो ये जो कार्ड है ये थोड़ा डिफरेंट दिखना चाहिए, इसलिए हम लोग कार्ड के अंदर दे देते हैं ग्रे कलर। तो ग्रे कलर के लिए हम लोगों ने बना के रखे थे क्लासेस बीजी ग्रे 200। फिलहाल तो हम लोग दे के देखते हैं, तो आप देख सकते हो 200 कुछ इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन वो थोड़ा भी अच्छा नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोग उसको थोड़ा और एक कम कर देते हैं। और इसके अंदर मैं अभी कर देता हूँ 100, सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड ये जो 100 वाला शेड है कुछ अच्छा दिख रहा है। अभी ये आप देख सकते हो ये जो एल आई जो है उसके अंदर व्हाइट कलर आ रहा है, तो उसके अंदर भी हम लोग सिंपली वो जो ग्रे कलर है वो हम लोग फिल कर देते हैं। यहाँ से कॉपी करो और उसके बाद ये जो एल आई है उसके अंदर सब जगह पे मैं कर देता हूँ हमारा जो ग्रे कलर का जो क्लासेस है वो पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद हम लोग इसको करते हैं सेव और रन करके देखते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से अभी हमारा जो सेक्शन है वो दिख रहा है। अभी हम लोग को क्या करना है, तो इसके अंदर थोड़ी हम लोग पैडिंग दे देते हैं उसके बाद, और ये सारे जो टाइटल है वो भी हम लोग चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेंज कर देते हैं टाइटल, उसके बाद है यहाँ पे CSS3, उसके बाद है गिट और गिटर, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे है फोटोशॉप, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद है वेबसाइट डिप्लॉयमेंट, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो फिर फ्यूचर के अंदर मैं वेबसाइट डिप्लॉयमेंट के रिलेटेड एपिसोड बनाऊंगा, तो वो भी आप फिलहाल यहाँ पे ऐड कर दो तो चलेगा। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे सारे टाइटल अपडेट हो गया है। उसके बाद हम लोग सिंपली अभी यहाँ पे जो नीचे है नीचे हम लोग रख देते हैं यहाँ पे बटन। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे एंकर टैग रखते हैं और उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे बटन के अंदर। सिंपली हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे यूज करना है btn क्लास, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ विजिट, और यहाँ पे हम लोग को चाहिए एक आइकॉन। तो उसके लिए फिलहाल तो ये जो आइकॉन है यही मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं यहाँ पे पेस्ट। इसको करते हैं अभी हम लोग सेव और रन करके देखते हैं। तो अभी कुछ इस तरीके से हमारा बटन दिख रहा है। तो फ्रेंड अभी हम लोग इसको दे देते हैं उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो, तो हम लोगों ने हमारे थीम के लिए जो कलर बना के रखे थे वो मैं दे देता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड कलर। और उसके बाद उसका जो टेक्स्ट कलर है वो मैं रख देता हूँ यहाँ पे व्हाइट, और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने डेंजर लिया उसको निकाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ आइकॉन पेपर प्लेन। अभी हम लोग इसको करते हैं सेव और रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो बटन हमारा कुछ इस तरीके से छोटा आ रहा है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे पूरा बटन चाहिए। तो फ्रेंड उसके लिए हम लोग को ये जो सेक्शन है हमारा कार्ड बॉडी वाला सेक्शन, ये जो कार्ड बॉडी वाला सेक्शन है इसको हम लोग पूरा का पूरा रख देते हैं और एक ड्यू के अंदर, और उसके अंदर में क्लास रख देता हूँ रो। तो फ्रेंड ये रो क्या करेगा, तो उसके अंदर के जितने एलिमेंट है वो पूरे के पूरे फिल करके रख देता है। तो इसको अभी हम लोग करते हैं सेव और इसको फॉर्मेट कर देता हूँ मैं। तो फ्रेंड इंदर का जो सेक्शन था जो हमारा था यहाँ पे टेक्नोलॉजीज, उसके बाद हमारा डिस्क्रिप्शन और टाइटल, और उसके बाद यहाँ पे बटन, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतनी सारी चीजें मैंने रख दिया है रो के अंदर, जो किसके अंदर है कार्ड बॉडी के अंदर। तो फिर ये जो कोड है ये मैं मेरे गिटअप के अंदर हमेशा डालता रहता हूँ, तो वहां से आप पूरा का पूरा कोड डाउनलोड या फिर आप देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिलहाल मैं करता हूँ इसको सेव और रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से बटन यहाँ पे फुल साइज में आ रहा है, और कुछ इस तरीके से हमारे जो टेक्नोलॉजी हम लोगों ने यूज किया वो भी आ रहा है, और यहाँ पे टाइटल और यहाँ पे उसका
डिस्क्रिप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग को देना है थोड़ी पैडिंग, तो हम लोग अभी दे हैं पैडिंग। तो अभी आपको पैडिंग अप्लाई करना है रो के अंदर। मैं फिलहाल पैडिंग रख देता हूँ P4। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो अभी भी एरो अंदर आ रहा है। तो अभी हम लोग थोड़ी और पैडिंग बढ़ा देते हैं, सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से अभी हमारी डिजाइन दिख रही है। और अभी इसको आपको चेक कर लेना है मोबाइल के अंदर। तो फ्रेंड मोबाइल के अंदर भी कुछ इस तरीके से अच्छे से दिख रहा है, टैबलेट के अंदर भी कुछ इस तरीके से अच्छे से दिख रहा है, और लैपटॉप के अंदर भी कुछ इस तरीके से अच्छे से दिख रहा है। तो फ्रेंड अभी हम लोग को क्या करना है, तो फ्रेंड हम लोग को यहाँ पे अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड डाला है कि हम लोगों ने ये जो वेबसाइट ये बनाया। तो अभी आपको करना है यहाँ पे और दो तीन रिकॉर्ड आपको यहाँ पे ऐड करना है, तो यहाँ पे वो स्लाइड चालू हो जाए। तो उसके लिए फ्रेंड अभी हम लोगों ने पूरा एक जो कोरोजल आइटम था वो हम लोगों ने डिजाइन कर लिया। तो ये जो कोरोजल आइटम है इसको करना है आपको सिंपली यहाँ से कॉपी, और उसके बाद यहाँ पे आपको कर देना है पेस्ट। उसके बाद यहाँ पे फिर से मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अभी हमारे पास है कुल मिला के 3 आइटम। तो इसको मैं कर देता हूँ फिलहाल मिनिमाइज। तो अभी आप देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे जो एक्टिव है ये एक्टिव तो आपको निकाल देना है, अदरवाइज आपका जो कोरोजल है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो कन्फ्यूज हो जाएगा कि किसको डिस्प्ले करना है और किसको नहीं डिस्प्ले करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे जो इंडिकेटर्स है, तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो यहाँ पे जो डैश आ रहा है इसको बोलते हैं इंडिकेटर। तो वो इंडिकेटर आपको यहाँ पे रखने होंगे। तो इसको मैं सिंपल कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे 1 और 2, मतलब आपके पास जितने भी स्लाइडर होंगे, मतलब जितने भी यहाँ पे कोरोजल आइटम और जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो यहाँ पे आपको 1 बाय 1 देना है। और उसके बाद ये जो क्लास एक्टिव है ये भी आपको यहाँ से निकाल देना है। खाली ये जो फर्स्ट वाला जो है वो ही आपको एक्टिव रखना है, जो फर्स्ट वाला जो रिकॉर्ड है वो, और जो फर्स्ट वाला इंडिकेटर है वो। उसके बाद फिर यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो ये जो एरो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं आजू बाजू। तो अभी हम लोग करते हैं सेव। वो सेव करने से पहले हम लोग यहाँ पे वो जो टाइटल है वो हम लोग टाइटल चेंज कर देते हैं, और हम लोग उससे पहले ये जो इमेज है वो इमेज भी मैं चेंज कर देता हूँ। तो फ्रेंड मैंने बहुत सारी इमेज डाउनलोड करके रखी थी, तो वही इमेज अभी मैं यूज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ इमेज, और वही इमेज का मैं यहाँ पे रख देता हूँ टाइटल। यहाँ पे मैं टाइटल अपडेट कर देता हूँ। उसी तरीके से दूसरा जो स्लाइडर है उसकी भी मैं इमेज यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। उसकी इमेज कुछ दूसरे रख देता हूँ मैं, फ्रीलांसर पोर्टफोलियो, यहाँ से मैं उसका नाम कॉपी करता हूँ, और वही मैं यहाँ पे फिलहाल रख देता हूँ टाइटल में। ऐप में फिलहाल कर देता हूँ कैपिटल, और उसके बाद उसके अंदर मैं कर देता हूँ इमेज अपडेट। तो मैं रख देता हूँ इंटरेक्टिव डार्क, उसका मैं नाम कॉपी कर लेता हूँ, और उसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। सेव करते हैं, उसके बाद इसको करते हैं हम लोग रन। और फिर फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो डिजिटल एजेंसी, उसकी इमेज, उसके बाद स्लाइड हो रहा है फ्रीलांसर पोर्टफोलियो, उसके बाद उसकी इमेज फिर से स्लाइड हो रहा है, उसके बाद इंटरेक्टिव डार्क, उसकी इमेज। तो फ्रेंड इसके अंदर खास करके आपको ध्यान रखना है कि आपको इमेजेस जो रखना है वो सेम साइज की रखना है। उसके बाद आप यहाँ पे अलग अलग कलर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन, उसका टाइटल, और उसकी यहाँ पे लिंक आपको यहाँ पे डालना है। तो फ्रेंड आपको इसके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड ये जो कोड है ये आपको मेरे गिटहब के अंदर आपको मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड अभी आप यहाँ पे जो इंडिकेटर है उस पर क्लिक करोगे उसके बाद भी वो स्लाइडर होना चालू हो जाएगा। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से अभी हम लोगों ने डेवलप कर लिया है स्लाइडर, मतलब पोर्टफोलियो सेक्शन, जो टैबलेट के अंदर भी अच्छा दिखेगा, मोबाइल के अंदर भी अच्छा दिखेगा, और उसके बाद तो लैपटॉप के अंदर तो वो अच्छा दिख ही रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से यूजिंग बूटस्ट्रैप हम लोग विदाउट राइटिंग सिंगल लाइन ऑफ CSS कोड। ठीक है फ्रेंड्स, मैं CSS कोड की बात कर रहा हूँ, हम लोगों ने एक भी CSS क्लास लिखा नहीं है, एक्सेप्ट कलर, मतलब कलर को छोड़ के हम लोगों ने सारे के सारे जो भी CSS क्लासेस है वो बूटस्ट्रैप CSS के सारे यूज किया है, और पूरी की पूरी वेबसाइट हम लोगों ने कुछ इस तरीके से सिंपल, स्वीट और ब्यूटीफुल हम लोगों ने बनाई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो देखने के बाद आपको प्रैक्टिस जरूर जरूर करना है। और फ्रेंड ये वीडियो अगर आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा, इसलिए आपके फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ
जरूर जरूर आपको शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।